सातवीं सदी की बात है। पंजाब के लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे। वहां उन्हें जमीन के नीचे बनी बनाई ईंटें मिल गई। उन लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना और वे लोग उन ईंटों का इस्तेमाल अपना घर बनाने में करने लगे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जिन ईंटों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो ईंटें उन्हें अतीत के एक ऐसे दौर में ले जाएंगी जहां कभी हजारों साल पहले हम जैसे ही दूसरे लोग एक खुशहाल जिंदगी जीते थे। 1921 में जब फिर से पंजाब में खुदाई की गई तो जो सामने आया वो भारत की एक बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष थे। अब तक हमने सिर्फ कहानियों में सुना था कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन यह पहली बार था जब हमें इसके सबूत मिल रहे थे। इस खोज ने हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के साथ ला खड़ा कर दिया। शुरुआत में इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां खोजी गई थी वे सभी सिंधु नदी के किनारे पर मिली थी, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। आज से 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी। उस दौरान इस सभ्यता में करीब 5 मिलियन लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि यह पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी पहली बार हमारी दुनिया में शहरों का निर्माण हो रहा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे। वक्त बीतता गया और फिर छोटे छोटे कस्बे बनाए गए और फिर इन लोगों ने शहरों का निर्माण कर दिया। ऐसे शहर जिन्हें केयरफुली प्लान किया गया था। इन शहरों के मकान पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। इन शहरों में कम से कम 30,000 लोग ऐसे थे जो ऐसे घरों में रहते थे जहां बाथरूम और फ्लश टॉयलेट बने हुए थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आज से 4,500 साल पहले इतनी आधुनिक चीजें वजूद में आ गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे उन घरों के आकार में काफी फर्क था। इससे ये पता चलता है कि जो अमीर लोग थे वो बड़े घरों में रहते थे और समाज के गरीब लोग छोटे घरों में रहते थे। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी। ये नालियां गली की मेन नाली से जाकर मिलती थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने के लोगों को भी सफाई वगैरह की अच्छी समझ थी। जाहिर सी बात है कि हजारों साल पहले इन लोगों ने अपने आप को काफी विकसित कर लिया था और ये लोग एक बेहतर जिंदगी जीना सीख चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो दो सबसे बड़े शहर थे वो थे हड़प्पा और मोहनजोदारो। इस सभ्यता में जो गांव के लोग होते थे वो पशुपालन और खेती बाड़ी करते थे और शहर में रहने वाले लोग तो दूसरे देशों के साथ व्यापार तक करते थे। इन लोगों के समाज में कई तरह के पेशेवर लोग रहते थे, जैसे सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले लोग, कारीगर और ईंटें बनाने वाले पेशेवर लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान औरतों की मूर्तियां भारी मात्रा में मिली हैं। ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के समाज में औरतों की दशा काफी अच्छी थी और ये लोग औरतों की काफी इज्जत करते थे। ये माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग काफी धार्मिक थे। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे, लेकिन टेम्पल जैसा कोई बड़ा स्ट्रक्चर खुदाई के दौरान वहां से नहीं मिला है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये लोग मंदिरों में नहीं बल्कि अपने खेतों वगैरह में पूजा करते थे। ये लोग आग की पूजा और पेड़ की पूजा करते थे और ये लोग पानी को भी काफी पवित्र मानते थे। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये लोग मूर्ति पूजा के अलावा कुदरती चीजों की पूजा करते थे, जैसे आग, पानी, पेड़ पौधे, पशु और सूरज आदि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो जो धार्मिक मान्यताएं थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। जो जो प्रथाएं उन लोगों में थी वही आज भी हम में मौजूद हैं। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौर को गुजरे 4,000 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन तब से लेकर आज तक निरंतरता की एक ऐसी लहर चली आ रही है जो आज भी हमें हमारे उसी हजारों साल पुराने इतिहास से जोड़ती है। यानी हम भारतवासी
आज भी अपने हजारों साल पुराने पास्ट को जी रहे हैं और यह हमारे लिए अपने आप में ही बड़ी खुशी की बात है। कुछ 4000 साल पहले यह सभ्यता मिटने लगी थी। ऐसा कैसे हुआ कोई नहीं जानता। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया इसको लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी और सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए जानी जाती थी जो शहरों और गांवों को बहा ले जाती थी। सो बहुत से हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ बाढ़ से इतनी विशाल सभ्यता का अंत नहीं हो सकता। इसीलिए वो और भी बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि इन शहरों में कोई बड़ी महामारी फैली होगी जिससे शहरों की आबादी खत्म हो गई। ये भी माना जाता है कि यहां शायद भारी जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, जमीन सूखती गई और खेतों में रेगिस्तान छा गया होगा और इसीलिए यहां लोगों का रहना दुश्वार हो गया होगा। कुछ मानते हैं कि यहां विदेशी लोगों का हमला हुआ था, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं क्योंकि खुदाई के दौरान हथियार वगैरह कुछ ज्यादा नहीं मिले हैं। इतिहासकार मानते हैं कि यह सभ्यता अपने अंतिम दौर में बड़ी खुशहाल थी, तो फिर ऐसे में कैसे यह सभ्यता खत्म हो गई? कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि इस सभ्यता का अंत अचानक किसी ऐसी घटना से हो गया जिसकी इतिहास में कोई व्याख्या नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि मानो यह सभ्यता किसी एक वजह से खत्म नहीं हुई होगी। पहले सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी जिससे बड़ी तादाद में लोग मर गए, खाने पीने के सामान की भारी कमी हो गई, लाशों के सड़ने से कोई महामारी फैल गई होगी जिससे और भी लोग मरने लगे होंगे, और जो लोग बच गए होंगे वे अपने घरों को छोड़कर कहीं दूर जाकर बस गए होंगे, और इस तरह हमेशा के लिए इस विशाल सभ्यता का अंत हो गया होगा।